तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं ऋतिक सोनी जी से, जो कि अभी जो एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस 2020 का, उसके थ्रू सेलेक्ट हुए हैं और इनको इनकम टैक्स हेडक्वार्टर अलॉट हुआ है। और जल्दी ही हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जो स्टार्टिंग जर्नी रही एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में, एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन में, एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन में, उसके बारे में जानेंगे, इनकी बेसिक स्कूलिंग के बारे में जानेंगे। और इनका जो स्कोर रहा वो इंग्लिश में बहुत अच्छा रहा और इंग्लिश इनकी वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, जबकि ये यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो इन्होंने कैसे अपनी इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड करी, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कौन सी बुक फॉलो करी इन्होंने, कौन से टीचर से पढ़ा है या कैसे अपनी स्किल को और स्ट्रॉन्ग किया है, मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ी, जीके जीएस कौन सा किताब से पढ़ा है, किस बुक को फॉलो किया है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं ऋतिक जी से। हेलो ऋतिक जी, कैसे हैं? आई एम गुड सर। तो ऋतिक जी, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे व्यूवर्स को कि जो आपने अभी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आया है उसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक स्कूलिंग है, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहें लोगों को, कहाँ से आपने पढ़ाई कर रखी है और क्या आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतिक सोनी है और मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है कर्नलगंज, मैं प्रॉपर वहाँ का निवासी हूँ। आई हैव रिसाइडेड देयर और मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग वहीं से हो रखी है। मैंने अपना 10th प्लस टू और ग्रेजुएशन कर्नलगंज गोंडा से ही परस्यू किया है और 10th मेरी हुई है इंग्लिश मीडियम से, एंड आफ्टर दैट मेरा प्लस टू हिंदी मीडियम का रहा है। तो मेरा बेस बाइलिंगुअल रहा, हिंदी भी उसमें थी, मोस्टली हिंदी ही थी और थोड़ा बहुत इंग्लिश का जो मेरे को टच मिला वो ड्यू टू माई 10th की वजह से सर मिला। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया बीएससी में, एंड आफ्टर दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स और उसी के साथ मैंने अपनी एसएससी की जर्नी अलॉन्ग विद माई मास्टर्स मैंने परस्यू की। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा जो आपका स्कोर रहा हाई स्कूल का और 12th का और ग्रेजुएशन का, थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ में क्या रहा स्कोर, अगर याद हो तो। यस सर, बिल्कुल मुझे याद है और वैसे भी सर पहला वर्ड्स दूसरा वर्ड ये तो ऑब्वियस ही बात है, याद रहती हैं। तो सर मेरे 10th में 85% थे और पहला बोर्ड्स था, थोड़ी सी हेजिटेशन थी, प्रेशर था पेरेंट्स का, टीचर्स का, तो इसकी वजह से 85% स्कोर उस टाइम पर हुआ था। बट उसको मैंने सर कवर अप किया और उसके बाद सर मेरे प्लस टू में 96% आए थे। तो ये मैं कहूँगा कि वो एक तरह से एक बेस मेरी स्टार्ट हो गई थी सर, आप कह सकते हैं कि वहाँ से एक चीज़ मुझे लगने लगी थी कि हाँ, अगर मैंने कोई चीज़ अपने विल पर ले ली है तो कहीं ना कहीं टू अ डिग्री मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। एंड लकीली वैसे स्कोर भी आता गया तो पेरेंट्स भी की भी थोड़ी उम्मीदें हो जाती हैं अपने बच्चों से और मुझे भी इस चीज़ का सर वो एक मोटिवेशन। मार्क्स सर मैटर करते हैं टू अ डिग्री, बहुत ज़्यादा करते हैं सर, क्योंकि वो आपको कुछ दें या ना दें लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट कराते हैं। और उसके बाद सर मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ जो कि मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया और मैंने मेरे मास्टर्स भी अपना फर्स्ट डिवीज़न से ही पास कर रखा है। तो हमने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सर मैंने बीएससी की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और उसमें भी मेरा 62% रहा है आफ्टर ऑल। और उसी के अलॉन्ग विद द सेकेंड ईयर मैंने अपनी एसएससी की जर्नी को स्टार्ट किया और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मुझे स्टार्टिंग में मिले। आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल सर, आपने स्टार्टिंग में जो इनिशियल डेज में जो मैंने ऑफलाइन आपका बैच लिया था उसने मुझे स्पेशली एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मुझे आज भी याद है सर कि उस टाइम पर एडवांस बैच यहाँ पर बहुत रेयर स्टूडेंट्स थे, रेयर फैकल्टी थी और जो दो चार टीचर्स थे भी वो हम लोगों के नेटवर्क से बहुत दूर थे उस टाइम पर, हम लोग वी वर नॉट एबल टू गेट देम। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि स्टार्टिंग में वो 2018-19 के टाइम पे संदीप सर वॉज देयर फॉर अस और मेरे जैसे कई बच्चों को सर ने ऑलरेडी सेलेक्ट करा रखा है। और सर उसके लिए मतलब आई एम वेरी थैंकफुल आज फाइनली हम मुझे मौका मिला कि आपके रूबरू हूँ उस चीज़ के लिए। ये तो मैं हमेशा कहता था कि आप लोग जब सिलेक्शन होता उसके बाद जब हम लोग मिलते तो अलग खुशी होती है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा व्यूवर्स को भी आप बताएं, अभी मैं और भी चीज़ें आपसे पूछूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी, कैसे चीज़ें रहीं, उसके पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट आता है
वो जॉब कौन सी है डजंट मैटर, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत कुछ करना है और मुझे विश्वास है कि आप बहुत कुछ करेंगे। अभी होप सो कि आपका जो ये इस बार वाला सीजीएल है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, पिछला वाला भी आपका पेंडिंग सी है जो रिजल्ट वो भी बेहतर आएगा। लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूँगा, जो रिजल्ट आया और उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ, क्या खुशी रही और क्या मोमेंट था उस समय पे जब आप रिजल्ट चेक कर रहे थे? सर वो मोमेंट बहुत ही मतलब आप मुझे, मैं ब्लैंक था सर उस दिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे पहले तो एक शुरुआती एक घंटे मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किसे फ़ोन करूं, किसे बताऊं कि हाँ फाइनली चलिए, जो आपकी तैयारी के इतना टाइम रहा, और सर जैसा कि दो साल की कोविड के दौरान दो साल से हम लोगों की कॉम्पिटिटिव फील्ड तो बिल्कुल रुकी सी गई थी, ना एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना तैयारी हो रही थी, इवन बच्चा पढ़े भी तो उसका जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, रिजल्ट भी पेंडिंग पे है, तो सर वो बहुत डिमोटिवेटिंग पार्ट हो जाता है। और उसके बाद 2020 सर कोविड लेके चला गया, 2021 लॉकडाउन की वजह से हम सभी परेशान रहे, हम लोगों की पढ़ाइयाँ हैम्पर हुई, और सर सिर्फ मेरी ही नहीं सर बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ाइयाँ छोड़ दी इस दौरान में ड्यू टू लॉकडाउन। सर 2022 में चीज़ें फिर से किसी तरह नॉर्मल हुई, और उसके बाद इस रिज़ल्ट ने सर बस यही कही है कि वो जो एक बच्चा था जो मेरे अंदर का, या हम जैसे बच्चों के अंदर के जो निराश बच्चे थे कि जिनका कहीं कुछ अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है, एसएससी लेट करता है, फास्ट नहीं है प्रोसीजर, तो सर ये एक मोटिवेशन का काम मेरे लिए ज़्यादा कर रहा है अपार्ट फ्रॉम अ जॉब। सर अगर मैं इसको सिर्फ एक जॉब की तरह देखूं तो हो सकता है कि मैं अपने आप को एक सैचुरेशन पॉइंट पे देखने लगूं कि हाँ अब एक जॉब हो गई है, एटलीस्ट मैं अब खुद को सेटिस्फाई कर सकता हूं, बट सर मैं इसको एज अ ग्रोथ देखता हूं, और मुझे ये याद आ जाता है कि मैंने शुरुआत किस लिए की थी, किस तरफ जाने के लिए की थी, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसी का आउटकम आज MTS के रिज़ल्ट के ज़रिए मुझे दिखा है सर। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने एक टारगेट रख रखा है और उस टारगेट को जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक हम लोगों को नहीं रुकना चाहिए, और हमें वो फाइनली मिलेगा, ये मुझे पूरा यकीन है आप पे, और आपको मिलेगा वो जॉब जो आपने सोच रखा है, आपको आपके डिजायर्ड पोस्ट मिले और आपके डिजायर्ड प्लेस मिले, यही आप मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। साथ ही में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आपने ये जो MTS का रिजल्ट देखा और उस समय पे जो खुशी हुई और आपको लगा कि हाँ यार ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मैं शेयर करूं तो रिजल्ट किस भी आप पे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं यार इतना क्यों खुश हो रहे हैं या इतना क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक जॉब आज की डेट में, तो हर एक जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में जो यूपी बिहार अगर कहीं सेगमेंट कह लें वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज है, और जैसे ही हमारी कहीं शुरुआत होती तो कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पहुंच जाता है कि यार ये जो हमारा पॉजिटिवनेस की ओर जा रहा है और जो हमारी जो पेंडिंग है रिजल्ट वो भी हमारे अब बेहतर आएंगे और जो हम आगे परफॉर्म करेंगे वो भी हमारा बहुत बेहतर जाएगा। तो जब आप चेक कर रहे थे रिजल्ट तो उस समय पर क्या मोमेंट था, आपने कहाँ चेक किया, कोई दोस्त था आसपास, या आपने पहली कॉल किसको लगाई, या फिर कुछ देर तक आराम करते रहे? सर उस टाइम पे अभी भी मुझे याद है कि शाम का वक्त था, मैं अपने काम में बिज़ी था उस टाइम पे, मैं लैपटॉप पर था बट आई वाज डूइंग सम अदर थिंग्स एट दैट टाइम। मेरे एक फ्रेंड का, एक पुराने मित्र का फ़ोन आया कि उसने मुझे कंग्रेचुलेशन भेजा, और मुझे नहीं पता था उस टाइम पर कि क्या ही हुआ है। तो उसके बाद जब मैंने कहा ठीक है, देन आफ्टर मैंने कॉल किया तो मैंने पूछा भाई कंग्रेचुलेशन किस चीज़ का, तो उसने कहा आपने रिज़ल्ट देखा। तो मेरे एक दोस्त के ज़रिए ही मुझे पता चला, और कहीं ना कहीं सर आज के टाइम में बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन ट्यूटर जिनसे आपको अपनी रैंक पता लग जाती है, आपको आपका रॉ स्कोर और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता देता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो सर। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही पता था मुझे सर कि मिल जाना है, इससे मेरा सिलेक्शन तय है ऑलमोस्ट। तो खुशी तो थी सर, और जो चीज़ चाही हुई कभी कभी मिल जाना, और सर रैंडम आपको भी पता है कि एलोकेशन इसमें जैसा होता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट मिल जाना एटलीस्ट, वो भी MTS में, तो इट्स अ वेरी सूदिंग मोमेंट फॉर मी सर, और उस चीज़ को मैं अभी भी कहीं ना कहीं फील कर सकता हूँ। बट यही है ना सर कि अगर इस चीज़ को मैं लेकर बैठ गया आज के टाइम पे कि बस यही अंत है, या ये मैं इसको एक बिगनिंग की तरह देखना चाहूँगा जो ज़्यादा मुझे बेटर लगेगा, कि अभी एक मैंने शुरुआत की है, मेरी जो तैयारी रही अभी तक CHSL की, CGL की और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसका एक तरह से मुझे फल मिला है। और ऐसा नहीं है सर कि मैं ये कहूँ कि
मेरा पहला एग्ज़ाम था, क्योंकि जो कि मोस्टली बच्चे कहते हैं कि नहीं मैंने, हाँ ये बात सत्य है कि मैंने पहली बार MTS का एग्ज़ाम दिया था, इससे पहले मैंने अपीयर नहीं किया था, इट वॉज़ माई फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ MTS। SSC में मैंने CHSL दे रखा था, CGL दे रखा था सर, और उसी का CGL और CHSL का कहीं ना कहीं फ़ायदा मुझे MTS में मिला। जैसा कि आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर जो है इनकम टैक्स का मुंबई में हुआ है, तो वो जब आपको पता चला कि अच्छा है इनकम टैक्स में हो रहा है, हेडक्वार्टर में हो रहा है, तो एक अंदर से जो आ रहा होगा कि यार अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या काम हो रहा होगा, वो सब भी हमको देखने को मिलेगा। साथ ही में हमें ये भी मिलेगा कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आएगा, और एक ये भी देख रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अपकमिंग जो है वो बेहतर होने वाला है, और आपका अभी लगे हुए एग्ज़ाम है उसमें भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो उस समय पे जब आपको रियलाइज हुआ कि यार हेडक्वार्टर मुंबई मिला, और जब आप ज्वाइनिंग, क्योंकि आप शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा चुके वहाँ पे, तो वो कैसा सीन था, आप जब वहाँ पहुँचे ऑफिस तो कैसा लग रहा था, आपकी कैसी फीलिंग आ रही थी, वो थोड़ा सा शेयर करें। सर इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल एट दैट टाइम, और एक वो एक फील गुड की या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की वाइब आती है सर उस जगह पर। आप इतनी रिनोन्ड डिपार्टमेंट से जुड़े, यही अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट उसका, भले ही अभी एज एन MTS हैं, लेकिन आप उसका एक हिस्सा हैं। मतलब सर देखा जाए तो MTS को या CHSL को आज के टाइम में सर जॉब कोई छोटी नहीं है, क्योंकि जॉब है ही नहीं नाउ अडेज। धीरे धीरे सर आप भी देखिए MTS की वैकेंसीज किस तरह, एक टाइम था हम लोगों के टाइम जब मैंने आज के 2016 में कहाँ 12,000-15,000 वैकेंसीज आ रही थी, मेरे टाइम पे सर MTS 2020 में 3,880 वैकेंसीज थी, और ऑल ओवर महाराष्ट्र 440 वैकेंसीज। तो सर जिस हिसाब से वैकेंसीज घट रही हैं आज के टाइम पे, तो सर अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा इशू पड़ जा रहा। तो उसके अकॉर्डिंग सर जब मैं वहाँ पहुँचा, इट वाज अ वेरी ट्रेमेंडियस एंड नाइस मोमेंट फॉर मी। उनके बीच में बैठना, द ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज सो हम्बल, और सर वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है जब आप अपने सामने CGL से CHSL से, हालांकि CHSL तो अब रिक्रूटमेंट नहीं कराता है ITI की, बट द थिंग इज कि CGL से जब अपने आप सीनियर्स को देखते हैं, इवन मेरे दो चार सीनियर्स से मुलाकात भी हुई सर, वो बहुत इंस्पिरेशनल मोमेंट होता है जब आप एक्चुअल में ITI को TA को वर्क करता देखते हैं वहाँ पर। आपको एक अंदर से लगता है कि नहीं, हमें वर्क क्यों करना है, हमें पढ़ना क्यों है, उसकी वजह ये है सर। और वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट तभी होगा जब आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे, आप उन लोगों के बीच में रह के उस चीज़ को, उस काम को और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो SSC CGL की जर्नी है, मैं तो ये डायरेक्टली SSC CGL कहूँगा, क्योंकि MTS तो कभी आपने टारगेट नहीं किया था, ना ही है MTS के लिए आपने डेडिकेशन के साथ काम किया, कहीं ना कहीं ये डेडिकेशन जो है आपका CGL और CHSL का रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये SSC CGL की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैसे आपको पता चला SSC CGL के बारे में, और कहाँ से आपने स्टार्टिंग किया, सबसे पहले आप आके कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, और क्या आपका प्रोसीजर रहा, थोड़ा सा बताएं बच्चों को। सर जैसा कि हम लोगों के UP और बिहार के मोस्टली जगहों पर होता है कि हम लोगों के पेरेंट्स का मेन कंसर्न पहले ये होता है कि बच्चों का बोर्ड्स हो जाए, और उसके बाद बोर्ड्स हो गए, प्लस टू हो गया, अभी तक ठीक था। उसके बाद हुआ कि बच्चे को अब अंडर ग्रेजुएशन में क्या कराना है, तो सर कुछ लोग BA लेते हैं, BSc, BCom, BTech, जैसा जिसकी फील्ड होती है। तो सर प्लस टू में जब मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए, और स्टार्टिंग से ही सर मेरा खुद का भी थोड़ा सा मन था कि हाँ एक बार सिविल सर्विसेज, UPSC, SSC, मतलब अपने इन्हीं के बीच में रह के कुछ ऐसा रिनोड काम करो, एटलीस्ट नॉट फॉर द फेम सर, बट एक सेंस ऑफ ऐसा लगता है कि आप भी इस सोसाइटी का एक जिम्मेदार हिस्सा हैं, मतलब आप ड्यूटी निभा रहे हैं उस चीज़ को, इट्स नॉट जस्ट अ 9-to-5 जॉब सर। तो स्टार्टिंग से ही कह लें तो मुझ में था सर कि हाँ एटलीस्ट इसका हिस्सा बनना है, भले कैसे भी बनूँ। तो मैं इसमें स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही की कि मैं BSc के अपने सेकेंड ईयर में था, और अपने सीनियर्स से मैंने इसके बारे में जाना कि SSC नाम की भी एक एग्ज़ाम होता है, और इसके ज़रिए ग्रुप बी और गेजेटेड पोस्ट, नॉन गेजेटेड पोस्ट मिलती हैं। और जैसा कि होता है सर कि स्टार्टिंग में बच्चे सीरियस तो होते नहीं हैं, मैं भी था, मैंने सोचा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अभी तो टाइम ही टाइम पड़ा है। तो मैंने उस टाइम पर हंसी मजाक में चीज़ों को स्टार्ट किया, और
शुरू करने के दौरान चलिए ठीक है, मैंने सेकंड ईयर में आया तो मैं कुछ बुक्स परचेस कर ली थी मैंने उस टाइम पे, और उसको खुद से ही कभी टाइम मिला तो ओपन किया, कभी नहीं मिला तो नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ रहा हूँ तो हफ्ते भर कंटिन्यू है, कभी कभी ऐसा होता था कि एक एक महीने हो जाए कॉपी किताब छुई नहीं। तो डिसकंटिन्यूटी सर रहती है, बिल्कुल रहती है, और स्टार्टिंग में हर बच्चे के साथ रहती है, चाहे वो मैं हूँ या एसएससी बैंक कोई भी फील्ड का बच्चा हो। स्टार्टिंग में वो ऑल ऑफ अ सडन कि हाँ मैं कल से तैयारी कर रहा हूँ, वो कल से रिदम में नहीं आएगा सर। उसको कम से कम, मैं एक चीज़ अपने दोस्तों को और सबसे कहता हूँ कि एग्ज़ाम एक्चुअल में होता क्या है ये बच्चे को जानने में एक डेढ़ साल बीत जाते हैं कि कॉम्पिटिशन आखिर में है क्या। तो सर ऐसा ही मेरा भी था कि उस टाइम पर चीज़ें ऐसी बनी कि मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, जब उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे का थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि ग्रेजुएशन हो गई है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी सीजीएल की जर्नी को परस्यू किया। सीजीएल 19 में मेरा स्कोर कम था और जिसकी वजह से मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए वहाँ से एक सीख बनी कि मैंने उसको सीखा सर कि ठीक है मुझे किस किस पोर्शन में वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरा अगला एग्ज़ाम हुआ था CHSL 19। तो सर CHSL 19 में एवरीथिंग वाज गुड, बट प्रॉब्लम ये आ गई सर कि मेरा आज भी याद है 13th of November फर्स्ट शिफ्ट पड़ा था और वो उस साल की सबसे टफेस्ट शिफ्ट में आ गया था। और थोड़ा सा आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन सर, मुझे नाइट में काम करना स्टडी करना ज़्यादा पसंद था, तो उसका थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो जाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को अपने बच्चों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं या अगर आप ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आप मॉर्निंग नाइट इवनिंग आप हर टाइम के अकॉर्डिंग खुद को कंपैटिबल करिए। क्योंकि कुछ बच्चे रहता है कि कहते हैं कि नहीं मॉर्निंग में मेरा मन नहीं लगता, मैं आफ्टरनून में पढ़ लूँगा, कुछ का मन लेट नाइट में पढ़ने का होता है। और जैसा कि अभी सीजीएल में सर आपने सुना होगा कि अब चार शिफ्ट में इस बार का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं और सुबह 7 बजे से स्टार्टिंग और शाम को 5 बजे भी लास्ट है। एग्जैक्टली सर, तो अब अगर खुदा न खास्ता आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है और आपका 7:45 पे पेपर पड़ गया तो आपका आधा दिमाग सोता रहेगा। और एसएससी सीजीएल सर वो चिड़िया नहीं है जिसको आप हाफ कॉन्शियसनेस से आप उसको परस्यू कर लोगे, क्योंकि सर ये प्रॉब्लम मैंने अपने सीजीएल 2020 में फेस की। मेरा, मैंने जैसा आपको बताया, आई वॉज अ नाइट पर्सन सर, मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद था, मॉर्निंग की आदत नहीं थी। कानपुर में सेंटर लगा और मॉर्निंग शिफ्ट, आधी नींद, ऊपर से ट्रैवल, वो चीज़ ने सर ऐसा इम्पैक्ट डाला कि हालांकि मैं इतना तो सेंस में था सर कि मेरा प्री में एक डिसेंट स्कोर हुआ, बट मेहनत की, उसके बाद मैंने मेंस भी दिया और मेंस में कुछ नंबरों से उस जगह पे रुका। बट सर अगर मैं उस चीज़ को डिमोरलाइज हो जाता उससे कि मेरा चलो एक बार सीजीएल में नहीं हुआ या CHSL में नहीं हुआ या फिर से मैंने सीजीएल के मैं मेंस तक पहुंचा, अगर मैं सर ये सोच के बैठ जाता कि मेरे बस का नहीं है, सर कहीं ना कहीं फेलियर्स ही आपके सक्सेस का रास्ता बनाता है। क्योंकि सर MTS के लिए मैं बहुत ऑनेस्ट हो रहा हूँ, बींग वेरी ऑनेस्ट टू एवरीवन जो भी इसे देख रहा है, मैंने MTS के लिए कभी पढ़ाई नहीं की थी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था MTS का फॉर्म भरने के लिए और उन्होंने लिटरली मुझसे ये कहा था कि एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस के लिए इसे दो, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है ये मैटर नहीं कर रहा आज के टाइम पे कि एग्ज़ाम किसका है, एटलीस्ट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो उसको मैंने दिया सर, और मैं अपनी CGL और CHSL की तैयारी को ही MTS में परस्यू किया। कि सर वो MS धोनी का एक कोट था कि अगर आप एक दिन में, अगर आपने सालों से मेहनत की है तो भी एक दिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप सालों से नहीं पढ़ रहे हो तो भी एक दिन पढ़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर मैंने एक दिन की वो मेहनत नहीं थी, मैंने उसके लिए कोई खास एफर्ट नहीं डाले, बट हाँ इतने सालों में जो मैंने अपने फेलियर्स से सीखा, अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, किसी में प्री रुका, किसी में मेंस रुका, और अभी भी वो जंग जारी है। मैं डे बाय डे खुद को बेटर करता हूँ, अभी भी उस चीज़ में मुझे ये नहीं मिला है कि मैंने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट सर अभी नहीं मिली है जब तक अपनी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिलती, बट फिर भी खुद को स्टूडेंट ही मानता हूँ कि हाँ अभी भी मैं सीख रहा हूँ जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप आए तैयारी करने के लिए तो आपने सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या आपने कौन सी बुक फॉलो करी जहाँ से आपने एसएससी सीजीएल की जर्नी स्टार्ट करी और उनसे कितना आपको फ़ायदा मिला? किसी को अगर आप थैंक यू बोलना चाह रहे हैं किसी को तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। सर सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं दूंगा अपने फादर को, अपने पापा को, क्योंकि सर इस क्रेडिट
के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ही वॉज़ द ओनली पर्सन जिसने थ्रू आउट मुझे सर सपोर्ट किया, क्योंकि जो बच्चा ये कह रहा है कि उसे डिप्रेशन नहीं होता पढ़ते हुए, ऐसा नहीं है, होता है। जो कह रहा है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, होता है, क्योंकि ये तैयारी सर अकेले ही होनी है। इसमें कोई हेडमास्टर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है जो आपको सुबह उठाएगा या आपको अटेंडेंस लगानी है। आपके माँ बाप आपको घर से दूर भेज रहे हैं, वो आपको सिर्फ पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं सर। पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड हो रहा है उस जगह पर। तो मैं सर अपने फादर का इस चीज़ में बहुत थैंकफुल हूँ कि जब सबको ये लग गया था कि नहीं अभी कुछ किस्मत का हाथ है या कहीं मेहनत कमज़ोर है, माई फादर वॉज़ द ओनली पर्सन जो कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा, बस रास्ता मत छोड़ो, हो जाएगा। और उसी चीज़ ने सर कहीं ना कहीं बना दिया मुझे अपनी कंसिस्टेंसी से। कहीं ना कहीं अगर मैं हटता भी था तो जब पापा थोड़ा सा फ़ोन पे मोटिवेट कर देते थे या सामने से मोटिवेट कर देते थे तो उस चीज़ ने सर एक जान फूकी। और अभी भी मैं इसका पूरा का क्रेडिट सर अपने फादर को ही दूंगा कि उनकी एक परसिवरेंस मुझे लेकर, और प्लस मेरे जो गुरु जी थे स्पेशली जो मेरे को स्टार्टिंग में मिले, सर मैं गुरु उन्हें ही मानता हूँ अपनी नज़र में जो आपको एक सही राह दिखा दें। क्योंकि यहाँ पे इस कंपटीशन के फील्ड में सर हर बंदा बिजनेस करने को बैठा है आज के टाइम में। वो पढ़ाएगा आपको वही जो उसकी कोचिंग में चल रहा है, वो भले एग्ज़ाम में आए या ना आए। तो सर आई एम वेरी थैंकफुल आपका उस जगह पर कि स्टार्टिंग में मुझे बड़ी कमज़ोरी हुई थी, खासकर एडवांस पोर्शन में। मैंने आज भी याद है कि जैसा कि हर बच्चा जो अपने हम लोगों के टाइम पर जब हम लोग निकले थे तो महिंद्रा सर बहुत टॉप पर था उस टाइम पे। किसी भी ट्यूशन का नाम तब नहीं था, ऑनलाइन तो इतना क्रेज़ में था नहीं, हर गांव घर में महिंद्रा नाम पता था कि हाँ महिंद्रा की कोचिंग एसएससी बैंक के लिए होती है। तो उसी भीड़ चाल में सर मैं भी चल दिया, बट कुछ खास मतलब उसका इफ़ेक्ट दिखा नहीं सर। मुझे ऐसा लगा कि उसको किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर इंडिविजुअल आप उस टाइम लकीली आपका आखिरी बैच था जिसमें मैं एनरोल हुआ था, और उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज़ चलाई थी सीजीएल की, जिसमें भी आखिरी के 20 दिन आपने काफ़ी गाइड किया था। और सर के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, सर 2017-18 में वो चीज़ पढ़ा रहे थे, वो स्किल पढ़ा रहे थे जो आज भी रेलेवेंट है, जो मैंने सर बहुत कम टीचर्स में देखी। उस चीज़ के लिए आई एम लिटरली थैंकफुल सर आपका कि आपने वो तरीके हम लोगों को 18-19 में बताए जो आजकल 2023 और 24 में अभी भी वो चीज़ वैसी ही बैठ रही है। तो आपका शुक्रिया अदा है सर, और जिन कोचिंग से मैं जुड़ा रहा उनसे मैं स्पेशली मीट करके आ चुका हूँ। और मैं मतलब दोस्तों का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, सर जिनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, मैं इसको अपने अकेले की जीत नहीं मानता हूँ सर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सपोर्ट करता ही है इसमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और थोड़ा सा इसमें मैं एड ऑन इसलिए करना चाहूँगा एक चीज़ कि एक्चुअल में पढ़ाने का मेरा जो तरीका रहा, मैंने कभी प्री को टारगेट किया ही नहीं, हमेशा मैंने मेंस को लेकर टारगेट करके काम किया और हर एक बच्चे को मैंने मेंस के लेवल का ही पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रिक हैं वो अभी भी मैं कभी ऑनलाइन नहीं दे पाया, क्योंकि मैं अभी खुली दुनिया में नहीं आ पाया उतना ज़्यादा, लेकिन ऑनलाइन सभी को मैं प्रोवाइड करूँगा, सारे तरीके आपको प्रोवाइड करूँगा। और जो अपना रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा है, वो चाहे एडवांस मैथ में हो चाहे वो अर्थमेटिक में हो, वो लोगों तक पहुँचेगा। और जो एडवांस से एक अलग लेवल पहुंच रही है, लोग हर बार हर इंटरव्यू में एडवांस का जिक्र ज्यादा जरूर कर देते हैं और लोगों को यही नहीं पता चलता कि आखिर में एडवांस में ऐसा क्या पढ़ा देते हैं सर। तो एडवांस के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एडवांस में मैं तो आपको एक 1% भी नहीं दे पाया ऑनलाइन में, क्योंकि एडवांस बहुत ही ऐसा सेक्शन है जहां पे आप बिल्कुल फ्री के नंबर बटोर सकते हैं अगर आप सही से काम कर लें। इसीलिए लोग एडवांस का जिक्र करते हैं क्योंकि लोग पढ़कर नंबर लाते हैं और यहां पे फ्री नंबर आ जाते हैं। खैर फिलहाल मैं इन सब की बात को छोड़ के मैं मेन फोकस करूंगा कि जब आप तैयारी करने आए तो इंग्लिश में आपको कैसा लग रहा था, कोई डर महसूस हो रहा था या इंग्लिश में आप बिल्कुल अपने आप को पीसफुल महसूस कर रहे थे कि हाँ ठीक है ओके हो जाएगी अंग्रेजी? और अगर आपको जो भी अगर डर लग रहा था तो आपने उसको कैसे दूर किया और कौन सी बुक फॉलो किया और कहाँ से आपने स्टडी करी? सर यूजुअली मेरा जो बुक्स लैंग्वेज थी, मैंने आपको बताया कि मेरा स्टार्टिंग की पढ़ाई यूपी बोर्ड से हो रखी है, मेरा 10th भी यूपी बोर्ड से है और 12th भी यूपी बोर्ड से है। बट सर
बात ये थी कि आप उस टाइम पे हम लोगों के पास एक फैसिलिटी अवेलेबल थी कि आप चाहें तो यूपी बोर्ड से भी इंग्लिश मीडियम से परस्यू कर सकते हैं। तो मेरा 10th सर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो रखा था और इंग्लिश का बेस कहीं ना कहीं उसकी वजह से बन गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोगों की सोशल स्टडीज़ भी थी, साइंस भी थी, मैथ्स भी थी। तो एटलीस्ट सर जब आप किसी चीज़ के गोथ्रू में रहते हो तो आपको एक सेंस हो जाता है कि नहीं, इस लाइन में ये चीज़ गलत लिखी है। आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि उसमें गलती क्या है, बट वो आपको साउंड गलत कर रहा होगा उस जगह पे। तो इतना सेंस सर, इतना पढ़ पढ़ के वो डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश में ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा सर प्रॉब्लम्स का। मैं कोशिश ये रखता था कि अगर मैं मूवी भी देख रहा हूँ तो उसको सबटाइटल के साथ देखूँ सर, जिससे मुझे ये फ़ायदा मिल रहा था उस टाइम पर कि अगला बंदा हिंदी में क्या बोल रहा है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। मैंने इंग्लिश मूवीज़ को भी सबटाइटल पे ऑन रख कर देखा, जिससे उनकी स्पीकिंग, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, मैं उनका सेंस समझ सकूँ। बच्चे प्रॉब्लम एक्चुअल में इसलिए फेस करते हैं इंग्लिश के साथ क्योंकि उसको वो एज अ सब्जेक्ट लेकर चल रहे होते हैं। उनको ये रहता है कि इसको मुझे याद करना है और फिर इसको जैसे ही एग्ज़ाम आ रहा है उसमें कन्वे करा के भूल जाते हैं बच्चे। जिस दिन आप उसको समझना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी डेली टू डेली लाइफ में ढालना शुरू कर देंगे, वो चीज़ आपके लिए एक लैंग्वेज बन जाएगी। सब्जेक्ट छोड़ के अगर बच्चे सर अगर इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह देखने लगे, उनकी आधी समस्या सॉल्व है। सर हम लोगों के यूपी बिहार में इंग्लिश को इतनी हाइप बना दी गई है कि ये क्या ही है, मतलब बच्चे मैथ्स में 10-10 घंटे मेहनत कर लेते हैं सर, जीके में पूरी लूसेंट उनको याद हो गई है, बट इंग्लिश में एक मतलब वो बच्चे डर नहीं रहे, उनके मन में मतलब ऐसा एक फोबिया ही बैठ गया है, एक भय बन गया है इंग्लिश को लेके कि ये नहीं हो पाएगा सर। वो 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में निकालने का दावा करते हैं, बट वो इंग्लिश को याद करने में पीछे हट रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि सर उस चीज़ को वो एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं, सर वो एक लैंग्वेज है बस। और जैसा कि रहा कि बच्चों को, सर मैं यही एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग कोशिश ये रखिए उस चीज़ को, आप जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कर सकते हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा सर, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, ना मैंने द हिंदू पढ़ा, ना मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा। मैंने नॉर्मली अपनी जो स्टार्टिंग में मेरा बेस बन गया था, तो मैं नॉर्मली जो किताब्स आती हैं, नॉवेल्स आती हैं, आप कुछ नहीं, आज के टाइम में सोशल मीडिया सबके पास है, आप कोशिश ये रखिए कि आप ऐसे पेजेस को फॉलो करें जो आर्टिकल्स देते हो, वो रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है सर, मतलब वो जोक्स रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपकी नॉलेज रिगार्डिंग हो सकता है। आप कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा आप ग्रैब करोगे ना वर्ड सर, वो आप कहीं ना कहीं वो हिट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये इंग्लिश के भय पे तो एक पिक्चर भी बनी है, कहीं खैर फिलहाल पिक्चर में थोड़ा सा दिखाया गया है कि जो सुपर 30 मूवी है उसमें कहीं ना बसंती डांस वाला जो बनाया गया है वो इसी के लिए बनाया गया, और उसका असर भी लोगों को दिखा कि अगर आप अपने मन से जहन से एक डर हटा देंगे कि ऐसा भी कुछ है, ये हमारे में व्यवधान हो सकता है, तो बिल्कुल आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि जो भय है, कहते हैं डर के आगे जीत है, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य है और हर बार ये साबित सत्य होती है कि अगर आप काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होता है। और मैंने ऐसे कई सारे जो है स्टूडेंट देखे जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी और बाद में उन लोगों ने अंग्रेजी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैथ्स उनकी वाकई में अच्छी थी, लेकिन उन्होंने मैथ्स से भी अच्छा परफॉर्म किया अंग्रेजी में, जो कि वाकई काबिले तारीफ़ है। बहुत जल्दी हम उन लोगों का भी इंटरव्यू कराएंगे, और आज की डेट में वो ईडी और इनकम टैक्स एक्साइज की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चा बिलोंग करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। एक बार को लगता है कि यार मैथमेटिक्स कठिन होगी, लेकिन मैथ में उसको लगता नहीं, यार मैथ तो मैं कर लेता हूँ। अंग्रेजी से फिर डरने लगता है, उसको लगता है यार अंग्रेजी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उनके लिए एक कहेंगे मिसाल और उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि जो यूपी बोर्ड से आए हुए जिनको अंग्रेजी में डर लगता है, वो भी अंग्रेजी में आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बशर्ते कि आपको काम करना पड़ेगा और डेली काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उन लोगों ने जो काम किया, लाइक आप सही तरीके देखें तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है वोकैब की, और वोकैब का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। आपने वोकैब के लिए क्या काम किया, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? वोकैब के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के बुक्स देखी, प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब्स होती हैं वो सफिशिएंट हैं। अगर आपको एसएससी में वोकैब, ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इससे रिलेटेड सिनोनिम एंटोनिम, आप इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पे ही अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो आपका 70-80% कवर हो जाएगा।
और मोस्टली ऐसा नहीं है सर कि ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रीवियस ईयर पे ही रिलाई करना चाहिए, आपको अपने नए अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। बट जो 70-80% सर SSC का सिलेबस है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो GK GS का हो, वो कहीं ना कहीं सर 80% रिपीटेड ही रहता है। क्योंकि अब सर idiom phrase रोज़ रोज़ तो बन नहीं रहे, वो है एक लिमिटेड क्वान्टिटी में। बट तो यही मैं कहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दे लें, आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और सर मैंने बच्चों का एक डाउट सुना है, जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि कौन सी बुक को फॉलो करना है, मतलब XYZ बहुत सारे नाम है बुक्स के कि इन बुक को ले लें इन बुक को ले लें। सर कहने का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर की आप कोई भी बुक ले रहे हैं, पब्लिकेशन से मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत एरर सब में है और किसी में भी नहीं है। हाँ तो सर मेरा स्टार्टिंग से एक चीज़ रहती थी, एक बुक खरीदता हूँ लेकिन तब तक पढ़ लूँ जब तक वो उसका पैसा निचोड़ ना लूँ मैं, ये मेरा स्टार्टिंग से मानना रहता था। सर कभी भी घर को लाइब्रेरी बनाने का नहीं सोचा कि ये बुक भी ले आता हूँ वो बुक भी ले आता हूँ। एटलीस्ट सर मैंने अभी भी मेरे पास 2-4 बुक्स वो है जो मैंने 2019 की प्रिपरेशन के दौरान खरीदी है, और मैं सर कुछ नहीं करता, मैं उन्हीं को रिवाइज़ करता हूँ, स्टैटिक चेंज होना नहीं है। बचा आपका इंग्लिश, इंग्लिश में idiom phrase रोज़ रोज़ नए आते नहीं हैं। बची बात करंट अफेयर्स के लिए सर, तो अब अगर GK के पोर्शन को मैं देखूँ तो GK में भी बस करंट अफेयर ही है जिससे आपको अपडेट रहना है। जी बिल्कुल सही है आपने कहा। बात करंट अफेयर की उठी तो मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा, करंट अफेयर की क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, रीजनिंग के क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे आपने उसके लिए तैयारी करी? चूँकि आप CGL का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, CHSL का भी दे चुके हैं, और चूँकि इस बार वाला CHSL आपका बेहतर हुआ भी है और पिछला वाला भी बेहतर हुआ था, बाई चांस टाइपिंग की वजह से मिस कर गया वो अलग बात है, तो थोड़ा सा गाइड करना चाहें बच्चों को कि किस तरीके से उनके लिए रुझान कर सकें और कैसे बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अगर बात GK की जाए तो GK के लिए आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक, और जब से TCS आई है तो इसने एम्फसाइज कर दिया है करंट अफेयर्स पे। पहले आज से 2016 से पहले जब दूसरा मॉडल था इसका सिफी था, तब मोस्टली स्टैटिक का पार्ट और वेटेज ज़्यादा था, पर अब जब से TCS का नए पैटर्न में सर जितना वेटेज स्टैटिक को था अब करंट अफेयर को ज़्यादा है। और CHSL के एग्ज़ाम में तो मोस्टली सर आपको 25-25 क्वेश्चंस में से कुछ कुछ शिफ्ट्स में 12-13 इवन 50% से ज़्यादा का रेशियो है करंट अफेयर्स का। तो नहीं, ये तो करंट अफेयर का है, करंट अफेयर अब आजकल हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, चाहे वो SSC GD क्यों ना हो, बहुत भरमार भरी है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली नोट्स आते हैं, PDFs आते हैं, आपको किसी भी लगभग 19-20 मैंने सर सभी टीचर्स का फॉलो किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे रहते हैं। बाकी मटेरियल्स करंट अफेयर में सर अगर मोदी जी कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो वो एक सर के भी PDF पे होगा, दूसरे भी सर के PDF पर होगा। तो कहने का मतलब है आपको मटीरियल से, आप कहीं से भी, मेरा कहने का मतलब नॉलेज आपको जहाँ से बेटर लग रही है, जिनका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, बस आप कलेक्ट करिए उस चीज़ को। आप मंथली भी आती है, 6 मंथ की भी आती है, ईयरली भी आती है। सर मैंने डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं किया है क्योंकि डेली सर करंट अफेयर पढ़ना फिर वो एग्ज़ाम टाइम में रिकलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग सब चीज़ नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में हमें लगता है यार ये तो करंट अफेयर जो हमारे GS से भी ज़्यादा हो गया, और उसमें उतना ज़्यादा आता भी नहीं है। हमें मेनली जो फोकस करना होता, आप SSC का पैटर्न देखेंगे तो वो रिपीट करता रहता कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को, कि हाँ अगर मान लो बुक्स पूछा है तो बुक्स पूछेगा फिर से। चलिए केयरफील्ड लाल, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जो आप एग्ज़ाम दिए इसके बाद जो आपका अभी CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे टाइपिंग का क्या इशू रहा था, थोड़ा सा ज़रूर आप बताएं व्यूवर्स को, क्योंकि टाइपिंग से बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं और ये टाइपिंग का इशू है, ये कई लोगों के साथ होता रहता है। जी सर, मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई इशू हो जाता है, तो वो कैसे उस इशू से निपट सकते हैं और क्या आपके साथ फेज आया, और कैसे आप लोगों को गाइड करेंगे कि टाइपिंग से कैसे उसमें टाइपिंग में मन लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मन नहीं लगता टाइपिंग में, थोड़ा सा बताएं व्यूवर्स को। सर बात CHSL 2020 की है कि मेरा प्री हुआ एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 150 out of 200, मेरा रॉ स्कोर था 150 जो कि नॉर्मलाइज होकर 160 गया, और उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्टिव में 72 मार्क्स आए थे, तो मेरा जो कि बहुत ही अच्छा था 72,
मेरा ओवरऑल बन रहा था 232 नंबर्स आउट ऑफ 300 सर CHSL में। प्रॉब्लम ये हो गई सर कि उस टाइम पे CGL 2021 भी लगा हुआ था उसका मेंस, और जुलाई में हम लोगों का शेड्यूल हो गया स्किल टेस्ट, जिसकी वजह से सर इंग्लिश को भी टाइम देना पड़ रहा था, मैथ्स को भी टाइम देना पड़ रहा था। तो सर मेरा मेंस की उस टाइम तैयारी चल रही थी, CGL 2021 का मेंस लगा हुआ था और इंग्लिश को भी टाइम दे रहा था, मैथ्स को भी टाइम दे रहा था, और जो बच रहा था टाइम वो स्किल टेस्ट को भी दे रहा था। तो कहीं ना कहीं आप इसको प्रोक्रेस्टिनेशन सर कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि आखिरी के 15-20 दिन में कवर हो जाएगा। और उस टाइम पे मेरे मास्टर्स के भी एग्ज़ाम मेरे सर पर थे, तो CGL मैनेज करना, मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम मैनेज करना और स्किल टेस्ट, तो उन सब सर वो एक ऐसा लूप होल बन गया उस चीज़ में कि चीज़ें मर्ज होने लगी, और स्किल टेस्ट के लिए जो टाइपिंग को मुझे समय डिवोट करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया, जिसकी वजह से स्किल टेस्ट में ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस जितना एक्सपेक्टेड था उतना टाइपिंग वहाँ पे हो नहीं पाई सर। तो अभी भी CHSL 2020 का जो स्कोर कार्ड है वो अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, और अगर मेरा स्किल टेस्ट सर निकल जाता तो उसमें भी AIR होती, काफ़ी अच्छी होती उसमें रैंक, इवन MTS से भी बहुत बेहतर रैंक होती। बट उस स्किल टेस्ट का आज भी दुख होता है मुझे सर कि आप, काश कभी कभी मन में आता है कि सारी चीज़ें छोड़ के उस पर फोकस कर लेना चाहिए था। तो मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हो जाता है कि जब आपका प्री अच्छा हो जाएगा और मेंस अच्छा हो जाए, या आगे की चीज़ें जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, हम लोग उसे लाइटली ले लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं ये हो जाना है आसानी से। प्लीज़ जब तक आप अपना नाम फाइनल मेरिट में ना देखें, आप ढील मत दें चीज़ों को, क्योंकि थोड़ी सी ढील आपको बहुत बैकफायर कब कर दे, किस जगह पर कर दे, ये पता नहीं लगता। तो ये मेरे साथ हो चुका है और इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोजली मतलब इसको फेस किया है सर। तो मैं बस बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब तक फाइनल रिजल्ट में अपना नाम ना देख लें, उस चीज़ को लेट इट बी वाली पोजीशन में ना रखें। जी थैंक यू, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और व्यूवर्स को इतना सारा चीज़ें बताने के लिए। मैं अंत में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो व्यूवर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दें, और जिनको भी अगर आप थैंक यू बोलना चाह रहे हैं वो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ऑन कैमरा और सभी लोग इसको देखेंगे। जी बिल्कुल आप। तो मैं अपने सभी, सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी का, अपने पापा का, और अपने दोस्तों का, और उन सीनियर्स का, और ख़ासकर सर आपका, और बाकी सारे गुरुजनों का आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने मेरा अभी तक इस जर्नी में साथ दिया, और मैं अब आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट रखूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है, अभी इट्स जस्ट अ बिगनिंग फॉर मी, और अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ, और मैं भी स्टूडेंट ही मानता हूँ खुद को, क्योंकि सर जिस दिन स्टूडेंट से मैं अपने आप को ये समझने लगा कि नहीं अब मैं रैंक होल्डर हो गया हूँ, उस दिन सर ग्रोथ ख़त्म हो जानी है। तो मैं बस यही कहूँगा कि बच्चों, मतलब फ्रेंड्स, कभी हताश नहीं होना चाहिए कि आपको अभी आपका नाम नहीं आ रहा, या आप एक नंबर से रुक रहे, दो नंबर से रुक रहे, आपकी कौन सी पढ़ाई, किस वक्त की पढ़ाई, किस दिन की पढ़ाई, किस मौके की पढ़ाई, किस एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगी, आपको नहीं पता है। लाइफ इज़ वे मोर बिगर देन यू थिंक। तो सर बस यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि मंजिल में मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा, जो कुछ ना मिला तो तजर्बा मिलेगा। बहुत बहुत बात कि अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप उसका रिजल्ट नहीं भी अपने डिजायर्ड जो चाह रहे हैं वो मिलता है आपको, तो कम से कम उसको तजुर्बा मिलेगा और आके आगे के काम में आपके काम आएगा, और आप आगे के काम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ विदा लेना चाहूँगा, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतना ज़्यादा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताया, और कहीं ना कहीं पे जो एक डर सा बना रहता है यार कि कोई भी एग्ज़ाम छोटा और बड़ा नहीं होता है, मेन मैटर करता है कि उसका अप्रोच कि हमने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब जॉब के लिए तैयारी कर रहे और उनको कोई सही राह दिखाने वाला नहीं मिलता, सही राह बताने वाला नहीं मिलता कि आफ्टरऑल उन्होंने किया क्या। वो कहते हैं अरे क्या करोगे, MTS ही तो है, कुछ भी कर लोगे, CHSL ही है तो कुछ भी कर लोगे, अच्छा तो ये भी कहते हैं CGL ही तो है, कुछ भी कर लोगे, लेकिन कहाँ हो पाता है ना। अब UPSC वाला अगर देखे CGL को, तो अब बहुत सारे लोग UPSC वाले भी CGL में आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मैटर जो दिमाग में लेकर लोग चलते हैं यार आखिर में क्या हम सलाह लें, तो उनको उनका जो डर था वो आपने कहीं ना कहीं दूर किया और लोगों को गाइड किया, सही राह दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू वर्धनम अकेडमी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऑफलाइन में आपने पढ़ा और उसके बाद अब आप ऑनलाइन में यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं पे आए और लोगों को बताया कि क्या चीज़ें रहीं कैसे रहीं, और हम चाह रहे हैं कि जैसा हमने ऑफलाइन में परचम लहराया वैसे हम लोग ऑनलाइन में भी परचम लहराएं, बस आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है और आप जैसे सभी जो स्टूडेंट हमारे उनका सपोर्ट की ज़रूरत कि वो बताएँ व्यूवर्स को कि हाँ आफ्टर ऑल कि आपको पढ़ना कहाँ से पढ़ा आपने, ठीक है, क्योंकि ये अब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल मैं सभी व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि मुझे सर ने बहुत गाइड किया है स्टार्टिंग में, सिंस द वेरी बिगनिंग, और सर के अंदर ये था कि उनके लिए कभी भी एक बच्चा नहीं होता था, वो पूरी क्लास को लेकर चलते थे। कोई बच्चा उनकी क्लास में ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है, उसको भी वो उतने ही डेडिकेशन और डिवोशन से टाइम देते थे जितना उनके तेज़ बच्चों को देते थे। तो सर की चीज़ें, सर की बताई ट्रिक्स जो, और लिटरली मैंने अपनी तैयारी आज से 2-3 साल कोरोना से पहले ही जस्ट स्टार्ट की थी, उस टाइम पे बताई चीज़ें आज के लेटेस्ट पैटर्न पर रेलेवेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी जगह, मतलब कंपटीशन इतना हो रखा है इस फील्ड में, बट अगर आप सर से, एसकेएम सर से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत सही हाथों में हैं। और अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपका जो भी एग्ज़ाम है वो जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, 32 लाख फॉर्म पढ़ते हैं और उन 3,880 की लिस्ट में अपना नाम देखना ही बड़ी बात होती है, फिर वो एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, तो उसके लिए आपको एक सही मेंटोरशिप की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वर्धनम अकेडमी इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू यू, एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।